गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून खुश रहो स्वस्थ रहो सभी को एक एक मोल आशीर्वाद सर आपकी बुक मार्केट में लॉन्च हो गई बेटा मैंने तो नहीं की यार वैसे मेरे नाम से हो सकती है मैंने नहीं की वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग क्या था भाई होमवर्क क्या था शीट डिस्कशन में क्या दिया था फिफ्टी टू से सेवेंटी फाइव संचित बेटा थोड़ा सा मुश्किल तो है यार लेकिन देखो जो बेस्ट हो सकता है कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे अच्छा होगा बस जितना कर सकते हो मैक्सिमम करने की कोशिश करो है ना चलो जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोलिए डाउट्स ओ वन के फिफ्टी टू से सेवेंटी फाइव फिफ्टी टू में ही डाउट है अगर कैथोड को बाहर निकाल देंगे तो बेटा कुछ भी नहीं होने वाला है करेंट ही फ्लो नहीं करेगी ठीक है बिल्कुल संचित करो हो जाएगा हो जाएगा थोड़ा सा मुश्किल होती है लेकिन हो जाएगा फाइट करते रहो सिक्सटी तक किसी को कोई डाउट फिफ्टी वन का आंसर डी क्यों होगा बेटा अमन क्यों फिफ्टी वन का आंसर डी होगा कैन बी यूज केवल कलकत्ता में यूज कर सकते हैं बाकी नहीं यूज कर सकते क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन में इक्वेलेंस ऑफ चार्ज नाइन पॉइंट सिक्स फाइव एम्पियर टेन सिक्सटी सेकेंड्स 96,500 इतने ही इक्वेलेंट मेटल के भी होंगे मेटल का मास कितना है थ्री डिवाइडेड बाय इक्वलेंट वेट ऑफ मेटल ये मेटल के इक्वेलेंट ये चार्ज के इक्वेलेंट इक्वेट कर दो खत्म नेक्स्ट बेटा 56 कौन पूछ रहा है कौशल क्या प्रॉब्लम हो गई फिफ्टी में डायरेक्ट फॉर्मुला लगाना है यार जेड की वैल्यू दे रखी है उसको इक्वेट करना है उसमें कौन सा डाउट आ गया है कौशल शुभांकर बेटा 58 में डाउट है तो फिर कुछ भी मत करो चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सिक्स में ऑक्सीजन और सिल्वर दोनों के इक्वेलेंट्स को बराबर करना है करो खुद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन एम एन थ्री ओ फोर से बन रहा है एम एन ओ फोर टू माइनस इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है एम एन को बैलेंस किया थ्री ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो ट्वेल्व और फोर तो यहां पर एट एच टू ओ तो इधर सिक्सटीन एच प्लस सिक्सटीन में से यानी टेन इलेक्ट्रॉन तो इसका एन फैक्टर हो गया टेन बस बेटा थोड़े से सॉल्यूशन देख लो यहां पूछने से कोई मतलब नहीं है अमन बेटा सी एल जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो दोनों चैम्बर में डूबा हुआ होता है उसे जाने की जरूरत नहीं है जैसे डिप करोगे सॉल्ट ब्रिज को वहां सीएल आइन तो दोनों तरफ होंगे सॉल्ट ब्रिज में क्वेश्चन नंबर सेवेंटी थ्री एच फोर किसमें कन्वर्ट हो रहा है सीओ थ्री टू माइनस में अगर इसका एन फैक्टर निकालें तो ये एन फैक्टर कितना आ रहा है एट माइनस फोर से प्लस फोर एन फैक्टर इसका एट आ गया राइट right? हमें क्या करना इट इज यूज इट इज यूज टू पावर ए कार विथ एट्टी एम्पियर फॉर पॉइंट नाइन सिक्स आवर्स तो एट्टी एम्पियर पॉइंट नाइन सिक्स आवर्स आवर्स में इतने मिनिट्स उसमें इतने सेकेंड डिवाइडेड बाय नाइनटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये क्या होगा इक्वेलेंट ऑफ चार्ज इतने इक्वेलेंट्स किसके होंगे सी एच फोर के तो सी एच फोर के मोल्स इंटू सी एच फोर का एन फैक्टर हर जगह इक्वेलेंस को इक्वेट करना है इक्वेलेंस ऑफ चार्ज ये इक्वेलेंट किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं CH4 से तो CH4 के क्या आ गए इक्वेलेंट CH4 के मोल्स उसका वॉल्यूम चाहिए तो 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो वन एट 273 पर तो मॉल्स आ गए इसको मल्टीप्लाई कर दो खत्म बेटा रिडॉक्स पढ़ो हाउ डू यू राइट द इक्वेशन सप्तांशु रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ो बहुत बेसिक चीज है ये सेवेंटी का आंसर पीएच बढ़ती है क्या या पीएच कम होती है कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर ओएच आइन डिपोजिट होंगे तो एच प्लस आइन बढ़ेंगे एच प्लस आइन बढ़ेंगे तो पीएच कम होगी अरे सॉल्यूशन देख के थोड़ा तो डिसाइड कर लिया करो यार न? बेटा शुभांकर करो वो और कुछ नहीं हो सकता चलिए डन सेवेंटी फाइव तक दिए थे एस वन पर आ जाइए एस वन पर आ जाइए फोर्टी थ्री से फिफ्टी टू फोर्टी थ्री से फिफ्टी टू अमन यही होगा जो लिखा है बताइए फोर्टी थ्री से फिफ्टी टू में कोई डाउट फोर्टी सिक्स सोल्यूशन देख लो बेटा सोल्यूशन देख लो उससे ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता फोर्टी सेवन में भी यही करना है देन उसके बाद फिफ्टी वन क्वेश्चन में दे रखा है कि निकल डिपॉजिट हो रहा है तो वो निकल हो रहा है समव्यक्त मैंने क्या कहा था अगर आपसे पूछा जाए कौन डिपॉजिट हो रहा है तो अलग बात है जब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बताओ कितना निकल डिपॉजिट होगा बात ही खत्म राइट right. तो क्वेश्चन नंबर 51 और 52 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 52 52 देखा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है कि निकल के ही इलेक्ट्रोड है निकल का ही सॉल्यूशन है तो प्रोसेस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का या इलेक्ट्रो प्लेटिंग का होगा तो निकल आयन या सॉल्यूशन में जितने भी आयन उन आयुल्टेशन में कोई चेंज नहीं होगा तो ये जो बाकी का डेटा दे रखा है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि निकल जितना डिजोल्व होगा उतना ही वापस डिपोजिट होगा तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में आंसर कंसल्टेशन पहले भी टू थी बाद में भी एम ही रह गई बिल्कुल सही एक ही क्वेश्चन है केस थ्री का ओके दिव्यांश देखो बेटा जो हम क्लास में पढ़ते हैं ना उससे ओ वन के एस वन के एट्टी परसेंट से ज्यादा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो ढंग से सुनो क्लास में क्या बोला जा रहा है उसको ढंग से सुनो इजीली कर सकते हो आप थोड़ी बहुत इश्यू है सॉल्यूशन देख लो इससे ज्यादा और कुछ नहीं मेरी कोई जरूरत नहीं है हाँ मेरी जरूरत पड़ेगी जब आप ओ टू एस टू जेई एडवांस इनके क्वेश्चन में आप आते हो बाकी ये एस वन ओ वन यानी एट्टी परसेंट से ज्यादा क्वेश्चन में तो मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ढंग से पढ़ो देखो क्या पढ़ा है सर ने मैंने हर एक चीज बताई हुई है तुम वही पूछ रहे हो क्या हो इसमें हर जगह मैंने इक्वलेंट्स को बराबर किया यहां इक्वलेंट्स को बराबर किया यहां इक्वलेंट्स को बराबर किया है हर जगह वही लिखा है मैंने कुछ भी नया नहीं किया मैंने तो लास्ट क्लास में मैं आपको आई थिंक लेड स्टोरेज बैटरीज बता रहा था और लेड स्टोरेज बैटरी की रिएक्शन मैंने लिखवा दी थी और यह कहा था कि जैसे जैसे रिएक्शन होगी लेड जो है एक प्लेट पर लेड का ऑक्सीडेशन होगा एक प्लेट पर लेड का रिडक्शन होगा पीबी जीरो से प्लस टू में यानी दोनों ही प्लेट पर धीरे धीरे पीबीएसओ फोर डिपोजिट होता जाएगा डिपॉजिट होता जाएगा और सॉल्यूशन में H2SO4 की कंसेंट्रेशन कम होती जाएगी सॉल्यूशन में वाटर बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाएगा और जनरली जो सॉल्यूशन रखा जाता है वो 38 परसेंट पर रखा जाता है और जैसे जैसे उसकी कंसेंट्रेशन कम होते होते ट्वेंटी परसेंट के आसपास आती तो हम कहते हैं उन्हें नॉर्मली होता है कि हाँ अब सेल को रिचार्ज कर लेना चाहिए तो उसको फिर से रिचार्ज कर लिया जाता है यस yes, इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है क्योंकि जो सेल रिएक्शन है उसमें एच प्लस भी इन्वॉल्व है सल्फेट आइन भी इन्वॉल्व है तो जो सेल पोटेंशियल है वो एच प्लस और सल्फेट आइन की कंसेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है इसलिए बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में चेंज होने पर सेल पोटेंशियल में भी चेंज हो सकता है राइट right? तो ये मैंने डिस्चार्ज वाली रिएक्शन आपको लिखवाई थी जब चार्जिंग हम करते हैं तो यही जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाती है तो आपको बहुत अच्छी तरह से रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि सेल रिएक्शन क्या है वो रटी हुई होनी चाहिए एक सिंगल सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है वो दो वोल्ट के बराबर होता है तो इस तरह से आप मल्टीपल सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हो एनसीआरटी से ढंग से पढ़ लेना इस चीज को लास्ट एक और सेल है सेकेंडरी सेल की ही बात कर रहा हूं एक और सेकेंडरी सेल बट वो बहुत कम हम यूज करते हैं निकल कैडमियम सेल निकल कैडमियम सेल सेकेंडरी सेल ही है ये भी जहां पर हम कैडमियम और निकल को यूज करते हैं इसका डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो डायग्राम तो हम नहीं बना रहे एनसीआरटी से देख सकते हो बस इसमें से इतना याद रखना कि इसमें निकल जो है वो प्लस थ्री से प्लस टू में जाता है मतलब ये निकल का हो गया रिडक्शन और कैडमियम जो है जीरो से प्लस टू में जाता है तो ये कैडमियम का हो गया ऑक्सीडेशन तो ये रिएक्शंस यहां पर होती है सेल रिएक्शन है यहां पर पता हो किसका रिडक्शन हो रहा है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमें यहां पर पता होना चाहिए ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी वो आप देख सकते हो एनसीआरटी में डायग्राम भी दे रखा है बहुत बढ़िया तो इसका डायग्राम आप एनसीआरटी से देख लेना निकल केडमियम सेल बट ये काफी एक्सपेंसिव होता है इसीलिए इसको इतना ज्यादा यूज नहीं किया जा पाता बट इसकी जो लाइफ होती है वो लेड स्टोरेज सेल से ज्यादा होती है इसकी जो लाइफ होती है वो लेड स्टोरेज सेल से ज्यादा होती है देन इसी में एक ये तो हो गया कैडमियम यानी दो प्राइमरी और दो सेकेंडरी सेल दो प्राइमरी और दो सेकेंडरी सेल हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बाद अब एक और सेल में डिस्कस कर रहा हूं जिसे कहा जाता है फ्यूल सेल ये ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है और आज की डेट में इनकी काफी बातें होती रहती है फ्यूल सेल की बातें हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये हम बात करते रहते हैं हाइड्रोजन पावर्ड जो कार्स होती है उसमें ये फ्यूल सेल ही यूज होते हैं तो ये फ्यूल सेल जो है ये ना प्राइमरी प्राइमरी में आते हैं ना सेकेंडरी में आते हैं तो क्या होता ये फ्यूल सेल उसको समझते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं हाइड्रोजन फ्यूल सेल में क्या होता है इस तरह से यू मान सकते हो कि एक बड़ा सा चैम्बर होता है ये उसमें इलेक्ट्रोड्स है ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं और यहां पर पानी भर दिया जाता है इसको आप ऐसे समझो ये जो डायग्राम मैंने बनाया ना ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है इमेजिन करो आप जिस रूम में बैठे हुए हो, आप जिस रूम में बैठे हुए उसकी लेफ्ट और राइट साइड की जो वॉल्स है वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स है ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स है पूरी की पूरी दीवार वो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स है ठीक है यानी आपके लेफ्ट साइड की वॉल भी पूरी इलेक्ट्रोड है राइट हैंड साइड की वॉल भी पूरी इलेक्ट्रोड है और इस पूरे कमरे में जिस कमरे में आप बैठे हुए उसमें पानी भरा हुआ है अब इन इलेक्ट्रोड्स पर जो वॉल्स है बाहर से एक इलेक्ट्रोड पर कंटिन्यूसली हाइड्रोजन गैस पास की जाती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर कंटिन्यूसली ऑक्सीजन गैस पास की जाती है एक पर कंटिन्यूसली हाइड्रोजन दूसरे पर कंटिन्यूसली ऑक्सीजन गैस पास की जाती है ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेते हैं हाँ सांस नहीं ले पा रहे हो ना थोड़ी देर रोक के रखो अभी खाली करता हूं मैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जो ग्रेफाइट ये जो के इलेक्ट्रोड है इसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो यही रह जाते हैं और H प्लस आयन इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं एच प्लस आइन सोल्यूशन में डिसोल्व हो जाते हैं और इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है मतलब ये क्या बन जाता है हमारा एनोड दूसरे वाले इलेक्ट्रोड्स पर दूसरे वाले इलेक्ट्रोड्स पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होके क्या बनता है ओ एच माइनस ये रिएक्शन ऑलरेडी बहुत बार हम पहले भी लिख चुके हैं ट्वाइस एच टू ओ प्लस फोर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का क्या हो गया रिडक्शन और इस एंड पर क्या प्रोड्यूस होते हैं ओ एच माइनस और एक तरफ से एच प्लस आयन दूसरी तरफ से जब ओएच OH एच आइन प्रोड्यूस होते हैं तो आपस में कंबाइन होकर ये क्या बना लेते हैं वाटर तो अल्टीमेटली इस चेंबर में वाटर प्रोड्यूस हो जाता है जिसको हम यहां से बाहर निकाल देते हैं और इस रिएक्शन को थोड़ा फास्ट अप करने के लिए इसमें थोड़ा सा बेस डाल दिया जाता है ओ एच या एनएच डाल दिया जाता है जिससे ये जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है ये थोड़ी और स्पीड अप हो जाती है वो स्पीड अप क्यों होती है उस पर अभी अभी नहीं जाना है हमें बस सेल रिएक्शन पता होनी चाहिए तो ओवरऑल रिएक्शन अगर यहां पर लिखें अगर मैं यहां पर इन दोनों को भी एड जब कर रहे हैं तो यहां चार इलेक्ट्रॉन है इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी फोर हो जाएगा ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए ओवरऑल रिएक्शन टू एच टू प्लस ओ टू कन्वर्टिंग इन टू ट्वाइस एच टू ओ ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई एक तरह से देखा जाए तो क्या हो रहा है हाइड्रोजन का कंबेशन हो रहा है और इससे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसे कहा जाता है फ्यूल सेल फ्यूल सेल आप इसे कह सकते हो यानी करंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन के थ्रू देखो मैं आपको बताऊं आप लोगों ने थोड़ा सुना होगा एक होता थर्मल पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट जो होता है ना उनमें से भी उनमें भी कंबेशन ही होता है और वहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है बट वहां जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो इससे अलग होती है इसका कॉन्सेप्ट अलग है थर्मल पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट अलग है थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है जो भी ये कोल होता है या इस तरह की गैसेस जो होती है ज़्यादातर तो, तो कार्बन बेस्ड होते हैं कोयला बेस्ड तो उनको बर्न किया जाता है उनको जब बर्न किया जाता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है और जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे क्या किया जाता है जो पानी होता है ना उसको स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और जब वो पानी स्टीम में कन्वर्ट होता है तो स्टीम को टर्बाइन के ऊपर से पास किया जाता है जिससे टर्बाइन रोटेट करते हैं और टर्बाइन रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट प्रोड्यूस होती है राइट right? ये तरीका होता है यानी स्टीम यूज होती है अच्छी खासी पानी ज्यादा अच्छा खासा यूज होता है पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है यहां पर भी अल्टीमेटली देखा जाए तो रिएक्शन तो एच टू प्लस ओ टू से एच टू ही बन रहा है बट यहां स्टीम प्रोड्यूस नहीं हो रही पानी प्रोड्यूस वेपराइज नहीं करना पड़ रहा है अल्टीमेटली एज ए प्रोडक्ट यहां पर क्या बन रहा है एच टू ओ और इससे करंट प्रोड्यूस होती है अच्छी बात क्या है ये जो फ्यूल सेल्स होते हैं इन फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है 70 परसेंट के आसपास दैट इज बिगेस्ट एडवांटेज की नॉर्मली जो है हम ना हमारे जो पेट्रोल डीजल के जो इंजेंस होते हैं ना कार में बाइक्स में जो हम यूज करते हैं इन पेट्रोल या इंजेंस की जो एफिशिएंसी होती है अराउंड थर्टी परसेंट होती है बट जो फ्यूल सेल होता है इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है फर्स्ट टाइम पता है इसको कहां यूज किया गया था अपोलो स्पेस क्राफ्ट पर अपोलो स्पेस वहां पर इसको यूज किया गया था और वहां पर तो इसका डबल एडवांटेज था डबल एडवांटेज क्या था एक तो इससे करंट भी प्रोड्यूस हो रही थी और दूसरा जो पानी प्रोड्यूस हो रहा था एच उसको भी यूज किया गया राइट right? सुन रहे हो मेरी आवाज आ रही है सब हा? कौशल आवाज आ रही क्या मेरी बस अरे भाई जगे हुए हो सो गए या क्या बोलूं अभी इलेक्ट्रिक कार्स काफी एफिशिएंट होती एक डेढ़ रुपए पर किलोमीटर का एक्सपेंस आता है इलेक्ट्रिक कार्स में यानी बहुत सस्ती होती है पर किलोमीटर एक या डेढ़ रुपए में जबकि यही पेट्रोल डीजल कार जो होती है सात आठ दस रुपए पर किलोमीटर होता है कौन सा अपोलोर अपोलो स्पेस क्राफ्ट बेटा और कौन सा अपोलो स्प... राइट तो दिस इज फ्यूल सेल ये पढ़ लेना क्वेश्चन मुझे लगता है कि यार इन पर क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस में आने चाहिए उतने नहीं आ रहे जितने आने चाहिए बट मुझे लगता है कि हाँ अच्छी खासे प्रोबेबिलिटी है कि इन पर क्वेश्चन आए तो ये एनसीआरटी से अच्छी तरह से पढ़ लेना इसे आप ग्रीन फ्यूल भी बोलते हो क्योंकि इसमें कोई भी कहते ना ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती है सिंपली एच प्रोड्यूस हो रहा है कोई सी प्रोड्यूस नहीं होता है तो ये भी इसका एक एडवांटेज है लिखा हुआ है अगर आप एनसीआर पढ़ोगे तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स यूज़ सेल द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर द सेल वाज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम द वाटर वेपर्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन वार कंडेन्स्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स ये जनरल पढ़ लेना हाँ, इसमें कुछ कैटलिस्ट भी यूज करते हैं कैटलिस्ट लाइक फाइनल फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पेलेडीनियम मेटल्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन टू द इलेक्ट्रोड्स फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर गिवन बिलो और फर्दर आगे पढ़ोगे तो सेल रन कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड हाँ ये ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है जब तक इधर से हाइड्रोजन इधर से ऑक्सीजन गैस पास करते रहोगे ये सेल आपको करंट देता रहेगा Perdhalikawa fuel cells produce electricity with an efficiency of about 70% compared to the thermal plants, whose efficiency is about 40%. There has been tremendous progress in the development of the new electrode materials, better catalyst electrodes, and increasing the efficiency of the fuel cell. These have been used in automobiles on an experimental basis. Fuel cells are pollution free and in. एंड इन व्यू ऑफ देर फ्यूचर इंपोर्टेंस ए वायटी ऑफ फ्यूल सेल्स एंड ट्राइड यानी जरूरी हाइड्रोजन यूज करें मिथेन गैस भी यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल सेल और ध्यान रखना फ्यूल सेल की या इनमें से किसी भी सेल की एफिशंसी निकालनी हो तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इन टू हंड्रेड क्योंकि जो वर्क मिल रहा है वो एक तरह का नॉन वर्क है तो कितना नॉन वर्क मिलेगा इस सेल से देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबेशन से तो बहुत सारी रिएक्शन बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी बट नॉन वर्क किसके बराबर होगा डेल्टा जी के बराबर तो वो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो बेटा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सस्ती हाइड्रोजन नहीं अवेलेबल है हाइड्रोजन बहुत कॉस्टली है और दूसरा इस तरह के फ्यूल सेल्स इलेक्ट्रोड्स बनाने में कॉस्ट काफी लगती है तो वो जो कार की कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है वो यहां प्रॉब्लम आती बट अदरवाइज एफिशिएंसी जो है इसकी ज्यादा है और अच्छी खासी रिसर्च है प्रॉब्लम ये है कि जितने भी फ्यूल्स हम यूज करते हैं ना डेली लाइफ में पेट्रोल डीजल केरोसिन ये सब अर्थ में से निकाला जाता है ज्यादा ज्यादा फिल्ट्रेशन किया जाता है बनाते नहीं है प्रॉब्लम यह है कि अर्थ में से हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती तो फिर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे करें तो H2O से पहले आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना होगा और उसमें अच्छी खासी एनर्जी चली जाती है इसीलिए हाइड्रोजन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है तो यहां पर ये यह प्रॉब्लम आती है तो दिस इज अबाउट सेल्स एंड बैटरीज वो हमने डिस्कस किया नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं इस चैप्टर के विच इज कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी कंडक्ट एंड कंडक्टिविटी प्रणव है सुनना वापस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा डाल दिया जाता है जो कैटलिस्ट वाला काम करता है बन नहीं रहा है बनेगा कैसे पोटेशियम से आ रहा है अरविंद बेटा सोलर एनर्जी से भी लिए सोलर पैनल्स लगाने होते हैं और सोलर पैनल्स भी सस्ते नहीं आते सोलर पैनल सोलर एनर्जी भी उसकी भी कॉस्ट होती है सोलर एनर्जी energy... ठीक है है रिन्यूएबल अच्छी बात है बट सोलर पैनल्स को मेंटेन करने में अच्छी खासी कॉस्ट आती है कोरोजन एनसीआरटी से आप खुद पढ़ लेना उसमें ऐसा कुछ है नहीं वो आप खुद पढ़ सकते हो कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी देखिए कंडक्टेंस की क्या डेफिनेशन है तो बेसिकली आप यू बोल सकते हो इन शॉर्ट इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस जिसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है उसकी कंडक्टेंस कम है जिसके रेजिस्टेंस पावर कम है उसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा है जैसे आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देते हो ना कि रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज रेजिस्टेंस तो उसी तरह से कंडक्टिविटी उसका उल्टा है कंडक्टेंस या दो तो, कंडक्टेंस जो चार्ज के फ्लो को सपोर्ट करता है फैसिलिटेट्स करता है यानी डेफिनेशन वाइज अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी ऑफ दी सब्सटेंस विच फैसिलिटेट्स फ्लो ऑफ चार्ज जो चार्ज के फ्लो को सपोर्ट करे उसी को हम कहते हैं कंडक्टेंस मैथमेटिकली आपको मैं बता दूं ये जो कंडक्टेंस है इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं कंडक्टेंस इट इज इक जी से रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वल टू वन अपॉन आर जहां पर आर जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट नहीं है इट इज रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टेंस। और अगर कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस तो यस ओम इनवर्स आप कह सकते हो यूनिट्स की अगर मैं बात करूं ओम इनवर्स चाहो तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो लेकिन यहां पर पता है, इसकी और यूनिट एम भी लिख दिया जाता है वैसे ये इनवर्स नहीं रिवर्स हो गया वैसे तो बट एम एच ओ ओम इनवर्स लेकिन सबसे ज्यादा जो हम यूज करेंगे वो है साइमंस एस ई -E आई एम ई -E एन शॉर्ट में एस लिख दिया जा सकता है इसको एस दिट इज ये एक यूनिट है कह सकते हो कंडक्टेंस की यूनिट है साइमंस और इन सब की वैल्यू बराबर है यूनिट कोई सी भी लगा सकते हो आप वन ओम इक्वल्स टू वन साइमंस राइट तो दिस इज कंडक्टेंस

चार्ज कंडक्ट होता है ना ये दो तरह से कंडक्ट होता है चार्ज जो हम दो तरह से कंडक्ट करते हैं दो तरीके कौन से हैं चार्ज कंडक्ट करने के राइट जस्ट मीन एक सॉल्यूशन के थ्रू भी हम चार्ज कंडक्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन में चार्ज कौन कंडक्ट करता है आयंस और एक वायर में चार्ज कौन कंडक्ट करते हैं करते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो चार्ज दो तरह से कंडक्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू और आयंस के थ्रू तो यहां पर अगर हम बात करें लिखो एक लाइन देर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस और इनमें डिफरेंस हमें पता होना चाहिए तो क्या डिफरेंसेस है उसकी बात करेंगे तो एक आता है इलेक्ट मेटेलिक कंडक्टेंस और दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अभी बेटा लास्ट लेक्चर नहीं है अभी बहुत टाइम लगेगा मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मेटलिक कंडक्टेंस चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी करते हैं एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो चार्ज कैरियर्स आर आयस राइट right? देन अब इसके कारण और भी कुछ डिफरेंसेस जनरेट हो जाते हैं जैसे आप वायर को इस किसी भी मेटल का यूज करो इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम होते हैं तो चार्ज कैरियर्स हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होते हैं लेकिन सॉल्यूशन में एनए का सॉल्यूशन है तो चार्ज कैरियर एन ए प्लस सीएल आइन एन ओ थ्री है तो के प्लस और Nitrate आयन यानी चार्ज कैरियर्स यहां पर बदलते हैं यहां पर चार्ज कैरियर्स वही रहते हैं तो चार्ज कैरियर्स आर चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज बट चार्ज कैरियर्स दैट इज आयंस चेंज विथ सोल्यूशन सोल्यूशन के साथ वो बदलते रहते हैं सोल्यूशन बदल दिया तो चार्ज कैरियर्स भी बदल जाएंगे थर्ड वन ये यू कह सकते हो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस यही है ये सबसे हाईलाइटेड डिफरेंस है जिसको अच्छी तरह से याद रखना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाने पर एक वायर की जो मेटेलिक कंडक्टेंस है कम होती है यानी वायर का रेजिस्टेंस बढ़ता है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टेंस डिक्रीजेस जबकि यहां पर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टेंस बढ़ेगी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस ऐसा क्यों हो रहा है यहां पर तो, तो यहां पर तो क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो वायर होता है ना उसमें इलेक्ट्रॉन का रेंडम मोशन बढ़ जाता है नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ जाते हैं इसीलिए कंडक्टेंस जो है वो कम हो जाती है लेकिन इन केस ऑफ सॉल्यूशन जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आइंस की स्पीड बढ़ जाती है जिसके कारण कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो यही है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा यहां और यहां दोनों जगह टेम्परेचर का इफेक्ट आपको पता होना चाहिए बाकी तो देखो बेसिक डिफरेंस है यहां एक जगह इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी कर रहे हैं दूसरी जगह आयस चार्ज कैरी कर रहे हैं तो एक बेसिक डिफरेंस है बट मेनली जो क्वेश्चन आएंगे वो टेम्परेचर पर ही आएंगे नाउ ये तो बात होगी कि दो तरह की कंडक्टेंस है लेकिन अब इस चैप्टर में जो हमारा डिस्कशन होगा वो केवल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पर ही होगा मेनली हम जो यहां पर बात करेंगे वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे मेटेलिक कंडक्टेंस की आप बात जो करते हो वो फिजिक्स में करते हो हम यहां पर जो बात करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की ही बात करेंगे ठीक है कंडक्टेंस क्या होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर मैं आ रहा हूं आफ्टर कंडक्टेंस सेकेंड डेफिनेशन इज कंडक्टिविटी लेफ्ट साइड में कंडक्टेंस कम होगी राइट साइड में कंडक्टेंस बढ़ेगी अब देखो इस टॉपिक को ढंग से सुनना ये अगेन कह सकता हूं मुझे इसको पढ़ाने में बहुत मजा आता है इस चैप्टर को कंडक्टेंस वाले पार्ट को क्यों बहुत मजा आता है क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो समझ में नहीं आती बहुत बार ये होता है कि इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं कोई डायरेक्शन ही नहीं क्लियर होती यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसा लगता है कुछ एक नई टर्म डिफाइन कर रहे हैं लेकिन उसका पर्पस नहीं पता होता तो उसमें कंफ्यूजन रहता है तो बहुत ढंग से सुनना जो मैं बता रहा हूं और बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो अच्छे अच्छों को नहीं पता होते हैं वो बताऊंगा देख लेना ये अलग बात है कि बहुत बार क्या होता है एग्जाम में फॉर्मुले पर क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला लिख लो फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं लेकिन बहुत सारी बेसिक चीजें मिसिंग होती है सीरियसली बता रहा हूं चलिए बात करते हैं कंडक्टिविटी की तो कंडक्टिविटी एक तो इसको पता है किससे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे दिखने में तो ये के ही दिख रहा है बट इसको बोला जाता है कप्पा दिस इज नॉन एज कप्पा जैसे तो ना, अल्फा बीटा गामा उसी तरह से एक और टर्म है कप्पा क्या होती है ये कंडक्टिविटी तो अगेन मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो कंडक्टिविटी इज इन्वर्स ऑफ रजिस्टिविटी ये भी कह सकते हो रजिस्टिविटी का इन्वर्स है सिंपली बिल्कुल तो इट इज इन्वर्स ऑफ रजिस्टिविटी अब एक वायर के लिए अगर मैं बात करूं तो हमें सब हम सबको पता है एक वायर के लिए रेजिस्टेंस जो होता है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी। सबको पता ही है लिख देता हूं और यहां पर रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टिविटी टू रजिस्टिविटी इन टू एल अपॉन ए और इसी को अगर मैं रीअरेंज कर दू तो वन अपॉन रो वन अपॉन आर इनटू एल अपॉन ए वन अपॉन रो को क्या लिखा जा सकता है कंडक्टिविटी विच इज कप्पा वन अपॉन आर को क्या लिख सकता हूं कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए कुछ नया नहीं है देखो फॉर्मूला ये ऑलरेडी आपको पता ही था वायर के लिए जो आप फॉर्मूला लिखते हो उसी को मैंने इस तरह से लिख दिया तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है बस रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी तो यहां पर फॉर्मूला जो है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की टर्म में आ गया बस इतना सा चेंज हुआ लेकिन अब यहां पर ये यह जो फॉर्मूला हमने लिखा है एक वायर को इमेजिन करते हुए लिखा कि अच्छा एक वायर का जो रेजिस्टेंस होगा उसकी लेंथ के डायरेक्टली तो लिए करने जा रहे हैं। तो एक वायर के लिए जब तक ये फॉर्मूला था तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी वायर की लेंथ वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सब समझ में आ रहा है लेकिन अब बात आती सॉल्यूशन के लिए जब आप इस फॉर्मुले को यूज करते हो तो एक सॉल्यूशन की लेंथ और सॉल्यूशन का एरिया इसका क्या मतलब हुआ यानी यहां पर ये लेंथ और एरिया का क्या मतलब होगा लेट से ये कंटेनर है जिसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आप क्या पास कर रहे हो करंट ये दो इलेक्ट्रोड्स है जिसके बीच में हम करंट पास कर रहे हैं तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर लेंथ का क्या मतलब हुआ एरिया का क्या मतलब हुआ वॉट इज लेंथ वॉट इज एरिया बता सकते हो इस डायग्राम में लेंथ क्या है एरिया क्या है एक वायर के लिए तो सबको सबको पता है बट इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लेंथ और एरिया का क्या मतलब होगा अविरल लेंथ ऑफ इंटरफेस या इंटरफेस का तो एरिया होता होगा मेरे हिसाब से इंटरफेस का तो एरिया होता है ना पूरा लिखो बेटा लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स किसी का कहना है कि इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस लेंथ है किसी का कहना है कि इलेक्ट्रोड्स की लेंथ लेंथ है हर्षित का कहना एरिया मतलब आउटसाइड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स मतलब इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया ऐसा तो केवल एक का या दोनों का लेंथ ऑफ वायर अविरल कौन सी बाहर वायर की लेंथ या अंदर इलेक्ट्रोड्स की लेंथ नवदीप का कहना डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पीके का कहना है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी इलेक्ट्रोड्स पीके एस क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अगर दोनों सिलेंड्रिकल शेप में हो तो बताओ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा सिलेंड्रिकल शेप में है दोनों ही इलेक्ट्रोड्स तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा इलेक्ट्रोड्स वाली वायर का क्या मतलब हुआ बड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज नहीं बोल रहे हो वीरल का कहना है कि एल इज लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स और ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स मुझे बताओ कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा अगर ये मान लो सिलेंडरकल शेप में ये दोनों इलेक्ट्रोड कुछ S इस तरह से हैं राइट right, थोड़ा बड़ा बना दिया इस तरह के दो इलेक्ट्रोड्स हैं अब बताओ इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा ईआर स्क्वायर तो बॉटम तो का सरफेस एरिया हो गया भाई ऋषि पाईआर स्क्वायर तो जो बॉटम पर सरफेस एरिया वो है अच्छा इसको काट दें आधा तो इस तरह से ऐसे करना चाहते हो ये वाला पार्ट विच इज टू आर और ये एच ऐसे मतलब एक सिलेंडर को दो टुकड़ों में वर्टिकली तोड़ दें तो जो स्क्वायर सरफेस आएगी उसका एरिया ऐसा बोलो बोलो वंश कह रहा है ऐसे ही एरिया डिप्ट इन सॉल्यूशन बेटा कौन सा कितना एरिया डिप्ट इन इसका क्या एरिया लू हो तो बताओ एरिया डिप्ट तो चलो पूरा ही डिप है मान लो पूरा ही डूबा हुआ है लेट से बस अब बताओ हॉरिजेंटली कट कर दो हम्म hmm. एनसीआरटी में एरिया के बारे में इतना ही बताया गया है तभी तो बेटा मैं बताऊंगा ना अभी पहले पूछ तो लू तुम्हें कितना आता है नहीं प्रोजेक्टेड एरिया एरिया दैट कैन ओवरलैप ऑन अदर इलेक्ट्रोड्स विदाउट मूविंग ये क्या भाई एरिया देट कैन ओवरलेप ऑन अदर इलेक्ट्रोड्स विदाउट मूविंग इस लाइन का क्या मतलब होगा खैर अब रहने दो छोड़ो तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दू दिमाग मत लगाओ ये जो फॉर्मूला हम यहां यूज कर रहे हैं ना वो इस सेल के लिए एप्लीकेबल ही नहीं इस सेल के लिए ये फॉर्मूला है ही नहीं तो आपको कौन सा सेल इमेजिन करना है वो बताता हूं तरीका यही है बट सेल को सेल की इमेज जो है वो थोड़ी अलग होगी यहां पर आप ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स इमेजिन करो दो प्लेट्स है ये ये एक मेटल प्लेट है और ऐसी ही एक और मेटल प्लेट इसके पैरेलल हमने रख दी ये एक और मेटल प्लेट है इसी के पैरल ये जो मेटल प्लेट्स हैं इनका एरिया जो है वो कितना है ए और ये जो मेटल प्लेट्स है वो प्लेन पैरल प्लेट्स हैं ये प्लेन पैरल प्लेट्स और इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है एल इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है एल हाँ कुछ हद तक शायद कैपेसिटर टाइप्स आप बोल सकते हो तो ये दो प्लेट्स है दो पैरेलल प्लेट्स इमेजिन करो आप जिस रूम में बैठे हुए हो आपके लेफ्ट वॉल और राइट वॉल उन पूरे को आप इलेक्ट्रोड्स की तरह इमेजिन करो पूरे को इलेक्ट्रोड्स यानी मेटल प्लेट्स की तरह इमेजिन करो और इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है एल और इन प्लेट्स का जो एरिया है, दोनों का बराबर होना चाहिए इसका भी एरिया ए है इसका भी एरिया ए ही है तो ये जो एरिया है वो है ए और जो सॉल्यूशन यहां पर भरा जाता है वो सॉल्यूशन इन दोनों प्लेट्स के बीच में भरा जाता है इन दोनों प्लेट्स के बीच में सॉल्यूशन भर दिया जाता है बाहर नहीं इन दोनों प्लेट्स के बीच में ही होता है यानी ए इंटू एल जो है एरिया इंटू एल इसे आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं इसको ज्यादा भी मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं है बट इसको ऐसे समझना कि एक बॉक्स लो आप इमेजिन करो एक बॉक्स लिया आपने छोटा सा राइट उसके ऊपर का ढक्कन हटा दो उसके ऊपर का ढक्कन हटा दो कोशिश करता हूं कुछ बनाने की ये एक बॉक्स है और इस तरह से इमेजिन करो कि इसके जो दोनों एंड्स हैं ना इन दोनों एंड्स पर ये प्लेट्स हमने रख दी ये इस एंड पर भी एक प्लेट और इस एंड पर भी एक प्लेट रख दी ये मेटल प्लेट्स को इस तरह से इमेजिन करो कि ये क्या है मेटल प्लेट्स हैं बहुत है राइट right? और सॉल्यूशन जो भरा हुआ है वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में भरा हुआ है साहब और हमेशा पूरा भरा होगा हमेशा पूरा भरा होगा ये सॉल्यूशन। और ये जो मेटल प्लेट्स है ये आपकी बन गए इलेक्ट्रोड्स, एक हो गया एनोड एक हो गया कैथोड जिसको आप किसी से कनेक्ट कर सकते समझ में आ गई मेरी बात तो ये जो बीच में सॉल्यूशन भरा हुआ है ए इंटू एल विच इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन और ऐसा कभी नहीं कि सॉल्यूशन आधा भरा होगा तो क्या करेंगे हमेशा सॉल्यूशन पूरा भरा होगा अगर आधा भरा हुआ तो हमें नहीं पता फॉर्मूला क्या होगा पूरा ही भरा होगा तो यहां पर अब आप कह सकते हो कि ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो एल ये इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस और ये इसका जो एरिया है दैट इज हमेशा इसी तरह के सेल से आप इमेजिन करोगे तब जाके समझ में आएगी बातें हाँ आप ऐसा सेल बना सकते हो आप चाहो तो ऐसा सेल भी बना सकते हो लेकिन ये जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो इस तरह के सेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो इसी तरह के सेल के लिए एप्लीकेबल है तो डायग्राम अच्छा लग रहा है नहीं सुंदर सा बड़ा गोल्ड की तरह शाइन करता हुआ नहीं क्या आज नींद में हो सब तो, तो तुम कितनी क्लास है तुम्हारी आज थक गए क्या कोई बातें नहीं कोई कमेंट नहीं चुपचाप अच्छा अमित ने मेरे को इलेवन आउट ऑफ टेन दिया है अच्छा पिकासो की पेंटिंग से ज्यादा अच्छा लग रहा है हम्म अच्छा, ओके सप्तांशु गा सर वी आर हियरिंग हियरिंग यू वेरी केयरफुली आज आईओसी की क्लास नहीं है छुट्टी मैं अन्य कह रहा स्कूल में एग्जाम शुरू हो गए चलो वापस अब इस पर आते हैं ठीक है तो यहां पर इवन ये थोड़ा समझ में आ गया और दूसरी चीज एल अपॉन ए किसी भी सेल के लिए इसको बोला जाता है सेल कांस्टेंट दिस इज नॉन एज सेल कांस्टेंट और इसको कभी कभी जी स्टार से भी लिख दिया जाता है इसको कैसे लिखा जाता है जी स्टार विच इज सेल कॉन्स्टेंट अब अगर मैं यहां पर यूनिट्स की बात करूं कंडक्टिविटी की यूनिट्स क्या होगी तो जी इंटू एल अपॉन ए तो कंडक्टेंस की यूनिट तो हम वही साइमंस ज्यादातर यूज करते हैं एस यानी साइमंस लेंथ और एरिया को आप सेंटीमीटर में भी पुट कर सकते हो मीटर में भी पुट कर सकते हो तो अगर सेंटीमीटर में पुट करो तो साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स या साइमंस मीटर इनवर्स ये दो यूनिट्स हो गई इस चैप्टर में यूनिट्स को ढंग से समझना अच्छी तरह से तो कंडक्टेंस की यूनिट तो साइमंस और कंडक्टिविटी की यूनिट साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स या साइमंस मीटर इनवर्स बस बस अब तारीफ और मत करो यार इससे ज्यादा नहीं झेल पाऊंगा एक दिन का डोज पूरा हो गया आप कल के लिए भी चाहिए होती है हाँ तो दिस इज कंडक्टिविटी अब यहां पर एक और प्रॉब्लम होती है एक वायर के लिए तो मैं बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि कब कंड़... रेजिस्टेंस चेंज होगा कब रेजिस्टिविटी चेंज होगी अच्छा बता सकते हो एक वायर की अगर मैं लेंथ बदल रहा हूं एक वायर की अगर लेंथ बदल दी तो क्या उसकी रजिस्टिविटी बदलेगी या रजिस्टेंस बदलेगा वायर की लेंथ बदलने पर रजिस्टिविटी चेंज होगी या रजिस्टेंस चेंज होगा जल्दी से बताओ या एरिया बदलने पर रजिस्टिविटी चेंज होगी या रजिस्टेंस चेंज होगा रजिस्टेंस हो तो चेंज होगा तो रजिस्टिविटी कब चेंज होगी रजिस्टिविटी कब चेंज होगी एक वायर के लिए बिल्कुल सही या तो आप वायर ही बदल दो तो रजिस्टिविटी चेंज होगी या फिर टेम्परेचर बदल दो यानी मटेरियल बदल दो या टेम्परेचर बदल दो या यूं कह दो अगर कोई अलॉय है अगर कोई अलॉय है तो उस अलॉय की कंपोजिशन को बदल दोगे मतलब एक तरह से मटेरियल बदल गया अलॉय की कंपोजिशन को बदलना मतलब मटेरियल बदलने के बराबर ही हो गया तो मटेरियल बदल दो यानी या फिर टेम्परेचर बदल दो तो रजिस्टिविटी चेंज होगी अदरवाइज रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा राइट right? कह सकता हूं ये अलॉय हाँ, वाला केस भी आता अगर किसी अलॉय की कंपोजिशन को बदल रहे हो तो भी एक तरह से वायर ही बदल गया और वायर बदल जाएगा तो भी रेजिस्टिविटी बदल जाएगी अब क्वेश्चन ये ये आता है कि ये जो हम यहां लिखते ना अगर मैं आपसे पूछू यहां पर अगर मैं लेंथ चेंज कर रहा हूं तो क्या चेंज होगा कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एक यहां पर अगर मैं लेंथ चेंज कर रहा हूं तो कंडक्टेंस चेंज होगी या कंडक्टिविटी चेंज होगी बताऊ एक सॉल्यूशन की लेंथ चेंज करती मतलब डिब्बा बड़ा ले लिया तो लेंथ चेंज होगी या मतलब लेंथ चेंज करने पर कंडक्टेंस चेंज होगी या कंडक्टिविटी दोनों ही चेंज होगी कंडक्टेंस कोई कह रहा है कंडक्टिविटी अब यहां कंफ्यूजन आता है तो इसका तरीका क्या है सोचने का वो मैं बता रहा हूं इसको कैसे समझना है वो मैं अब आपको बता रहा हूं ढंग से सुनना एक सॉल्यूशन को भी आप एक वायर की तरह ट्रीट करो पहले ये मानो कि ये भी एक वायर है और ये जो इलेक्ट्रोड्स है मेटल प्लेट्स है ये वायर का मटेरियल नहीं है ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये तो इस वायर के एंड है इस वायर का मटेरियल कौन है ये सॉल्यूशन है सॉल्यूशन जो है इसमें आयंस है वो चार्ज कंडक्ट करें जिसे सॉल्यूशन में NaCl है तो Na+ Cl प्लस सी एल आयन के थ्री है तो के प्लस और नाइट्रेट आयन तो अब आप इसको एक वायर की तरह ट्रीट करो और ये जो सॉल्यूशन है वो इस वायर का मटेरियल है तो यहां पर फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हो फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो ये दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस फॉर्म में को आप ऐसे भी लिख सकते हो तो अब यहां पर पहले ये सोचो कि ये एक वायर है तो लेंथ और एरिया बदलने पर वायर का रेजिस्टेंस चेंज होता है और वायर का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो उससे कंडक्टेंस चेंज होगी वायर का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है इसका मतलब कंडक्टेंस चेंज होगी तो मतलब लेंथ और एरिया बदलने पर कंडक्टेंस चेंज होगी कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा कंडक्टिविटी कब चेंज होगी मतलब रजिस्टिविटी कब चेंज होगी ये आपको सोचना है तो सॉल्यूशन ही बदल दो NaCl के बजाय KNO3 का सॉल्यूशन ले लो तो रजिस्टिविटी बदल जाएगी रजिस्टिविटी बदलेगी तो कंडक्टिविटी भी बदलेगी यानी सॉल्यूशन बदलने पर कंडक्टिविटी बदलेगी एक टेम्परेचर बदल दो तो भी कंडक्टिविटी बदल जाएगी यस yes. या तीसरा तरीका यह है कि मान लो आपने एक बार इसमें वन एम एन का सोल्यूशन भरा और दूसरी बार टू एम एन का तो क्या तब भी कंडक्टिविटी बदलेगी क्या अगर मैं वन एम एन के बजाय टू एम एन का सोल्यूशन भर देता हूं तो क्या कंडक्टिविटी बदलेगी या नहीं बदलेगी हा एन 1m एल वन एम उसकी जगह टू एम एन क्या कंडक्टिविटी बदलेगी यस एक तरह से ऐसे सोचो कि ये वाटर प्लस एन एल का अलॉय है ये एक अलोय है वाटर प्लस एन का और आपने उस अलोय की कंपोजिशन को चेंज कर दिया और कंपोजिशन को चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी बदलेगी तो कंडक्टिविटी भी बदलेगी यानी कंडक्टिविटी जो है ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन किसका उस पर तो डिपेंड करेगी करेगी साथ में इस पर भी डिपेंड करेगी कि उस सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ length एंड एरिया but depends on concentration of solution. देखो ये तो अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर बदलने पर टेम्परेचर बदलने पर कंडक्टिविटी बदलेगी अंडरस्टूड है ये भी अंडरस्टूड है कि जब आप सॉल्यूशन ही बदल दोगे तब भी कंडक्टिविटी बदलेगी इसमें कोई डाउट नहीं है हाँ बट मेनली पॉइंट यही है कि अगर आयंस की कंसेंट्रेशन बदल जाएगी तो भी कंडक्टिविटी बदलेगी और कंडक्टिविटी बदलेगी तो साथ में कंडक्टेंस भी बदलेगी ऐसा नहीं कंडक्टेंस नहीं बदले देखो कंडक्टेंस तो कुछ भी करो बदलेगी बदलेगी बट कंडक्टिविटी कब बदलेगी तो यहां पर यह लाइन आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कंसंट्रेशन बदलने पर भी कंडक्टिविटी बदलेगी और एज कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी लॉजिक बड़ा सिंपल सा है कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है ठीक है तो थोड़ा सा समझ में आ गया कि कंडक्टिविटी कब बदलती है कंडक्टेंस कब बदलती समझ में आया नहीं आया देखो लेंथ चेंज करोगे एरिया चेंज करोगे तो केवल कंडक्टेंस चेंज होगी लेकिन अगर कंसेंट्रेशन चेंज करोगे तो कंडक्टिविटी भी चेंज होगी और कंडक्टिविटी में चेंज होने के कारण कंडक्टेंस भी चेंज होगी तो कंडक्टेंस तो हमेशा चेंज होगी बट कुछ केसेस में कंडक्टिविटी चेंज होगी कुछ केसेस में कंडक्टिविटी चेंज, चेंज नहीं होगी समझ में आ गई यहां तक बात सारी सोचना कैसे है पिक्चर कैसे बनानी है वो सब क्लियर हो जाना चाहिए अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है या यूं कह दो कन्फ्यूजन क्या समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं हम क्या करना चाहते हैं वो बताता हूँ अब मान लो आपके पास दो सॉल्यूशन है या यूं कह दो एन भी है के थ्री भी है NACL और KNO3 थ्री और मुझे इनकी कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करना है कि किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा है साहब तो क्या करें एक तरीका तो ये कि दो एक जैसे सेल लो एक जैसे मतलब दोनों की साइज सेम होनी चाहिए दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए दोनों का एरिया सेम होना चाहिए राइट दोनों सेल में एक मोल NACL डाल दो इसमें भी और दूसरे वाले सेल, सेल में एक मोल के थ्री डाल दो दोनों के इक्वल मोल्स डाल दिए दोनों सेल का वॉल्यूम भी बराबर है तो ऑब्वियसली बात तक कंसेंट्रेशन भी बराबर होगी और अब जो ये दो सेल्स आपने बनाए हैं आप क्या करो इनका रेजिस्टेंस मेजर कर लो यस yes, ये जो सेल्स हम यहां पर बना रहे हैं ये सोल्यूशन वाला जो सेल है इसका आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हो वही व्हीट स्टोन ब्रिज से जिससे आप एक वायर का रेजिस्टेंस मेजर करते हो वहां पर वायर ना लगा के ये वाले सेल लगा दो तो आपको उस सेल का क्या पता चल जाएगा रजिस्टेंस समझ में आई ये बात कि जैसे एक वायर का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं उसी तरह से एक सेल का भी आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो जहां वायर लगाते हैं वहां सेल लगा दो तो उस सेल का मतलब उस सॉल्यूशन का क्या पता चल जाएगा रेजिस्टेंस और उस रेजिस्टेंस का इन्वर्स कर लो तो उससे क्या पता चल जाएगी उसकी कंडक्टेंस तो ये कंडक्टेंस इसी तरह से फाइंड आउट की जाती है वीट स्टोन ब्रिज आई थिंक सबको ये नाम पता होगा और इससे आप एक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो तो सीधी सी बात है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी कंडक्टेंस कम होगी तो इस तरह से आप दोनों की कंडक्टिंग पावर को कंपेयर कर सकते हो कि अच्छा इसकी कंडक्टेंस कम मतलब इसकी कंडक्टिंग पावर कम इसकी कंडक्टेंस ज्यादा मतलब इसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा सिंपल सी चीज है लेकिन हाँ यहां पर आपको यह चीज ध्यान रखनी होगी यहां पर यह चीज ध्यान रखनी होगी कि जो दोनों सेल्स आपने लिए हैं वो सेम साइज़ के होने चाहिए मतलब लेंथ सेम होनी चाहिए एरिया सेम होना चाहिए और दोनों में इनके एक एक मोल होने चाहिए हा या ना पक्की बात जैसे इसको ऐसे समझो कि अगर मुझे दो वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि किसकी रजिस्टेंस पावर ज्यादा जैसे सिल्वर और कॉपर कि यार किसकी रजिस्टेंस पावर ज्यादा है तो आप क्या करोगे सिल्वर का भी एक वायर लोगे कॉपर का भी एक वायर लोगे ऑब्वियसली जो वायर लोगे आप दोनों की लेंथ बराबर होगी दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर होगा और उन दोनों का फिर आप क्या मेजर करोगे रजिस्टेंस और फिर जिसका रजिस्टेंस ज्यादा होगा कह दोगे कि उसकी रजिस्टेंस पावर ज्यादा है यही करोगे हां लेकिन रजिस्टेंस कम मेजर करोगे जब दोनों की लेंथ बराबर हो दोनों का एरिया बराबर हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो सर दोनों की लेंथ बराबर है दोनों का एरिया बराबर है लेकिन कॉपर का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कॉपर की रेजिस्टेंस पावर ज्यादा सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है तो सिल्वर की रेजिस्टेंस पावर कम है बट बत, बताना पड़ेगा या यहां पर ऐसा कुछ हम कर दें, सुनते रहो अच्छी तरह से ऐसा कुछ कर दो यहां पर टर्म डिफाइन कर दो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस और फिक्स कर दो यार स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मतलब जब लेंथ फाइव सेंटीमीटर हो और एरिया जो है कुछ भी ले सकते हो मान लो पॉइंट वन सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा कुछ भी ये फिक्स कर दिया आपने तो अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुझसे कहे कि यार ये एक मेटल है वन मेटल ए और मेटल बी बताओ किसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होगी तो मैं कहूंगा कि अच्छा जिसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होगी जिसका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कम होगा उसकी रेजिस्टेंस पावर कम होगी अब मुझे यह बोलने की जरूरत नहीं है कि दोनों की लेंथ बराबर है या नहीं है दोनों का एरिया बराबर है या नहीं है क्यों क्योंकि मैंने वर्ड ही क्या यूज किया है स्टैंडर्ड रजिस्टेंस और स्टैंडर्ड रजिस्टेंस मतलब दोनों की लेंथ फाइव सेंटीमीटर है दोनों का एरिया पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर है तो अंडरस्टूड है कि दोनों की लेंथ बराबर है दोनों का एरिया बराबर है हां ये अलग बात है कि ऐसी कोई टर्म हम डिफाइन नहीं करते स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जैसी ऐसी कोई टर्म हमने डिफाइन नहीं की है बट कर सकते थे चाहे तो हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ताकि हम कंपेयर कर सकें ताकि हम कंपेयर कर सकें सिमिलरली यहां पर भी हमें दो सॉल्यूशन दो सब्सटेंस की कंडक्टिंग पावर को कंपेयर करना है तो यहां पर भी हम क्या करें दोनों की लेंथ बराबर है दोनों का एरिया बराबर है दोनों में मोल्स भी बराबर है यहां पर तीन चीजें आ गई वहां केवल लेंथ और एरिया था यहां लेंथ एरिया और नंबर ऑफ मोल्स भी है यानी कंसंट्रेशन बोल दो लेंथ और एरिया बराबर यानी वॉल्यूम बराबर मोल्स बराबर यानी कंसंट्रेशन भी बराबर तो यहां तीसरा फैक्टर भी आ गया जब ये तीनों सेम है तो जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा है उसकी कंडक्टिंग पावर भी ज्यादा है लेकिन यहां पर अब हम क्या करते हैं यूं कह दो कि कंडीशन फिक्स करती और उस कंडीशन पर हम कंडक्टेंस फाइंड आउट करते हैं ताकि जब भी कंपेयर करना पड़े कि, कि किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन वाले डेटा को आप यूज कर सकते हो यहां पर तो हमने ऐसी कोई टर्म डिफाइन नहीं की स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लेकिन यहां पर हम ऐसा कर रहे हैं यानी अब मेनली पर्पज क्या गया सोचो आप कि हमें कंपेयर करना है तो हमें ऐसा कोई पैरामीटर डिफाइन करना है जिससे हम आगे इजीली कंपैरिजन कर सकें कि किसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा है किसकी कंडक्टिंग पावर कम है देखो टर्म डिफाइन नहीं भी करोगे तब भी काम हो जाएगा एक और चीज बता दूं, टर्म अगर डिफाइन नहीं करोगे तब भी काम तो हो रहा है बस उसमें क्या होगा बोलना पड़ेगा तो देखो सर लेंथ सेम है एरिया सेम है मोल सेम है तो इसकी कंडक्टेंस ज्यादा इसका इसकी कंडक्टिंग पावर ज्यादा बट उसी चीज को हम थोड़ा और यूं कह दो कि सिस्टमेटिक करना चाहते हैं तो फॉर दैट पर्पज एक और टर्म डिफाइन की गई जिसे कहा जाता है लेमडा एम यस ऐसे ही लिखो इसको लेमडा ही बोला जाता है इसको लेमडा एम लेमडा ऐसे भी लिखा जाता है और लेमडा ऐसे भी लिखा जाता है बट इस चैप्टर में ज्यादातर हम ऐसे ही लिखेंगे ऐसे लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेमडा एम या लेमडा एम अब इसको ढंग से समझना इसमें बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि यही नहीं यह लेमडा एम समझ में ही नहीं आता कि सर ये क्या है राइट right? वो समझा रहा हूं आपको कि व्हाट इज लेमडा एम तो यहां पर जो फॉर्मूला है हमारे पास कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया मैं क्या कर रहा हूं इस फॉर्मूले को एल और एस एल अपॉन एल से ऊपर भी एल से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी एल से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर ये तो क्या हो गया g इंटू एल स्क्वायर और ये कंडक्टिविटी इंटू एरिया इंटू सकता हूं वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ उसे मैं क्या लिख सकता हूं वॉल्यूम कुछ नहीं मैथमेटिकली हमने थोड़ा रीअरेंजमेंट कर दिया लेंथ से मल्टीप्लाई भी कर दिया लेंथ से डिवाइड भी कर लिया और यहां पर इस एरिया इंटू लेंथ को क्या लिख दिया वॉल्यूम राइट right. अब मान लीजिए ये जो सेल आपने बनाया है हो सकता है उस सेल में एक मोल सोल्यूट हो या दो मोल भी हो सकता है या पॉइंट वन मॉल भी हो सकता है पॉइंट टू मॉल भी हो सकता है कितने भी मोल्स हो सकते हैं तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि जितने भी मोल्स है सोल्यूशन के अंदर उससे इनको डिवाइड कर दिया यानी पर मोल हो गया एक तरह से अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूंगा इस पूरे की यूनिट तो क्या होगी पर मोल इसकी यूनिट में भी क्या आ गया पर मोल क्योंकि नंबर ऑफ मोल जितने भी है उससे आपने डिवाइड कर दिया दो मोल है तो दो से डिवाइड कर दिया पांच मोल है तो पांच से डिवाइड कर दिया पॉइंट वन मोल है तो पॉइंट वन से डिवाइड कर दिया यानी एक तरह से एक टर्म डिफाइन हो गई विच इज पर मोल और इसको हमने कह दिया लेमडा एम इसको क्या कह दिया लेमडा एम यस ये सब मैथमेटिकली हो रहा है कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाई मैंने लेमडा एम की क्योंकि अगर जैसे ही मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा मतलब फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यस yes. और बुक्स में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होती है कोई डेफिनेशन नहीं है व्हाट इज लेमडा एम ये सामने दिख रहा है बस अगर आप इसकी डेफिनेशन बोलोगे तो कंफ्यूजन होगा इनफैक्ट इसको कुछ नाम भी नहीं देना है लेमडा एम हां बुक्स में होता है वो नाम मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ही मैं नाम बोलूंगा फिर समझ में आना बंद हो जाएगा फिर समझ में नहीं आएगी ये टर्म वॉट इज एम आंसर इज जी एल स्क्टेंस एल क्या क्या नंबर ऑफ मोल्स क्या है कंडक्टिविटी क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स राइट कोई आपसे सोचो एम क्या है ये है एम हा लेकिन अब सोचो अगर आपने एक टर्म इस तरह से डिफाइन की ना अगर आपने इस तरह से किसी टर्म को डिफाइन किया है तो यहां पर K इंटू वी अपॉन मोल्स मोल्स कैसे निकाल सकता हूं एक सॉल्यूशन की अगर मुझे मोलरिटी पता है तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मॉलरिटी इंटू वॉल्यूम से मैं मोल्स निकाल सकता हूं तो यहां पर ये यह वॉल्यूम वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और क्या बचेगा के m ये सब एक यानी ये सब एक ही चीज लिख रहे हो आप कुछ नहीं अब यहां से अगर हम देखें तो ये जो टर्म आपने डिफाइन की लेमडा एम ये किसके बराबर हो गई के अपॉन एम के मतलब कंडक्टिविटी एम यानी मोलरिटी तो ये वाली टर्म कब बदलेगी कंडक्टिविटी कब बदलती है जब कंसेंट्रेशन बदलती है और ये तो कंसेंट्रेशन ही है एम यानी कंसंट्रेशन तो मतलब क्या हो गया कि ये जो लेमडा एम जो टर्म आपने यहां पर डिफाइन की है एक सॉल्यूशन के लिए इसकी वैल्यू तभी बदलेगी जब आप उस सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को बदलोगे अगर आप सेल का लेंथ बदल रहे हो सेल का एरिया बदल रहे हो लेमडा एम में कोई चेंज नहीं होगा मतलब लेमडा एम भी लेंथ और एरिया के इंडिपेंडेंट है इट डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन हाँ ऑब्वियसली बात है सॉल्यूशन बदलोगे तो बदलेगी के बदल जाएगा तो भी बदलेगी बट अदरवाइज लेंथ और एरिया बदलने पर यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया मतलब क्या हुआ इस चीज का इसको ऐसे समझो एक ही सोल्यूशन है वन एम एनएसीएल का सोल्यूशन लिया आपने वन एम एन ए सी एल का सोल्यूशन ले लिया इसको आप अलग अलग तरह के सेल्स में भर दो कोई छोटा सेल है कोई बड़ा सेल है ऐसे बहुत सारे सेल्स ले लिए किसी की लेंथ ज्यादा किसी का एरिया ज्यादा किसी का वॉल्यूम पांच लीटर किसी का वॉल्यूम दस लीटर किसी का वॉल्यूम पंद्रह लीटर देखो हर एक सेल की कंडक्टेंस अलग अलग होगी लेकिन हर एक सेल की कंडक्टिविटी और हर एक सेल की एम की वैल्यू सेम होगी हर एक सेल की कंडक्टिविटी हर एक सेल का एम इसकी वैल्यू सेम आएगी इनफैक्ट ये कह दो एम और कंडक्टिविटी सेल का मत बोलो सॉल्यूशन का बोलो सॉल्यूशन वही है एम वही सॉल्यूशन वही है कंडक्टिविटी वही लेकिन कंडक्टेंस सॉल्यूशन पर भी डिपेंड करती है और सेल पर भी डिपेंड करती है कि सेल कौन सा है और ध्यान रखना हर बार सेल बड़ा है तो ज्यादा सॉल्यूशन भरा जाएगा सेल छोटा है तो कम सॉल्यूशन भरा जाएगा सॉल्यूशन की क्वांटिटी फिक्स नहीं है सॉल्यूशन बड़ा सेल बड़ा है तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी भी बड़ी होगी सेल छोटा है तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी भी यानी कह सकते हो कि कंडक्टिविटी की वैल्यू वही रहेगी लेम एम की वैल्यू वही रहेगी वो नहीं बदलेगी हाँ दोनों में डिफरेंस ये है कि कंडक्टिविटी का जो डेटा होता है वो पर मोल नहीं होता है और एम का जो डेटा होता, होता है वो पर मोल होता है वो हमेशा पर मोल होता है ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है यानी ज्यादा सोल्यूशन होगा सोल्यूशन ज्यादा यानी कंडक्टिविटी पर मोल नहीं होता बट लेम एम का जो डेटा होता है उसमें यूनिट्स में पर मोल वाली भी एक टर्म आती है यह यहां से अभी तक हमें समझ में आ रहा है कि लेमडा एम जो है यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया बट डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन राइट लेकिन अब मुझे क्या लग रहा है कि मैं अभी इसको पूरा नहीं समझा पाऊंगा और वापस मेरी भी क्लास है वैसे आप लोगों की तो क्लास नहीं है लेकिन आज मैं इसको यहीं पर रोक रहा हूं क्योंकि अभी क्या मैंने बीच में थोड़ा स्टार्ट कर दिया ना तो कंफ्यूजन हो जाता है फिर मजा नहीं आता तो बस अभी तक इतना ध्यान रखो एम किस पर डिपेंड करता है किस पर नहीं करता है कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करती किस पर नहीं करती वो समझ में अच्छा चाहो तो एक चीज और लिख सकते हो इसकी यूनिट्स के की यूनिट्स क्या होती है साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स चलो ये भी बाद में लिखेंगे अभी नहीं लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में लिखूंगा इसको भी इसकी यूनिट्स भी हम नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे तो होमवर्क दे देता हूं आज का आई थिंक जेई मेंस में आप करोगे जेई मेंस की एक्सरसाइज कुछ तो दिया था शायद मैंने जेई मेंस में से दिया था क्या कंडक्टेंस वाले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन कर लो कुछ तो कर लिए थे यार ऐसा लग रहा है लेकिन चलो कोई नहीं बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो 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 बढ़ता जा रहा भाई बढ़ता जा रहा फोर्टी सेवन फिफ्टी फाइव फिफ्टी नाइन सिक्सटी वन हां चुन चुन के दिए थे तो बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चन जेई मेंस के आप कर लो चलो दो तीन क्वेश्चन जेई एडवांस के भी दे देता हूं जेई एडवांस के भी दे देता हूं ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू या 21 से लेके 26, 36, थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी नाइन चलो बस इतना ही दिया बाकी जेई मेंस में से है ठीक है अच्छा संडे को एडवांस का टेस्ट भी है देखो भाई टेस्ट देते रहो पहले होमवर्क अच्छी तरह से करो हाँ टेस्ट चलते रहेंगे आप लोगों के बट होमवर्क पर फोकस करो होमवर्क पूरा होना चाहिए बेटा हाउ मेनी मोर लेक्चर्स तो अभी तो दो लेक्चर लगेंगे और इस चैप्टर में मैं पहले भी बता चुका हूँ पूछते ही रहते अभी दो लेक्चर तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और लगेंगे अभी कहाँ खत्म हुआ बेटा अभी तो बहुत कुछ बाकी कम से कम दो लेक्चर चाहिए अभी दो में हो जाए तो बड़ी बात है हो जाना चाहिए दो में तो खैर और जेई मेंस भी भाई जेई मेंस लिख लेना ध्यान रखना ये नहीं कि जेई मेंस में नहीं दिया था जेई मेंस में कंडक्टेंस को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस आप करोगे इसके बाद हम करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन के बाद सरफेस केमिस्ट्री लिक्विड सॉल्यूशन में सात लेक्चर के आसपास लगेंगे सरफेस में चार या पांच दिवाली से पहले आपका कोर्स फिनिश दिवाली से पहले कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा राइट और थोड़े दस बारह दिन यूं कह दो दिवाली वाली छुट्टियों में जो भी आपका छोटा मोटा बैकलॉग है वो टाइम में आपको दूंगा दस बारह दिन में जो भी आपको थोड़ा बहुत अपने लेवल पर करना वो कर लो उसके बाद अपना रिविजन स्टार्ट हो जाएगा भाई रिविजन स्टार्ट कर देंगे दिवाली के बाद मतलब छुट्टियों के बाद दिवाली के वेकेशन के बाद ठीक है खुश चलिए बाय बाय बेटा मैं मैं रिवीजन नहीं करवाता हूं था यहन, पहले भी मैं बता चुका हूं रिवीजन में क्या होता है रिवीजन में मैं केवल प्लान देता हूं पढ़ना तुम्हें होता है अब पढ़ाने वाला काम बंद अब केवल तुम्हारे जो डाउट्स है वो बताऊंगा अगर तुम्हें डाउट्स नहीं आ रहे तो कुछ नहीं बताऊंगा अगर तुम्हें डाउट्स आएंगे तो बताऊंगा और डाउट्स ये नहीं होने चाहिए कि सर ये चैप्टर समझ में नहीं आया ऐसा कोई डाउट नहीं होता और जो चैप्टर समझ में नहीं आया छोड़ दो ये मैं पहले भी बता चू हाँ इलेवेंथ के चैप्टर्स और ट्वेल्थ दोनों का मैं आपको होमवर्क दूंगा ये तुम्हें करना और उसमें जो डाउट्स हैं वो तुम पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है ये पूछ सकते हो ये क्वेश्चन हो रहा है ये नहीं हो रहा वो पूछ सकते हो तो वो मैं थोड़े बहुत तो ये थोड़ा सा पार्ट करेंगे हाँ बीच बीच में कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं लेकिन उससे पूरा चैप्टर नहीं होता क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में देखो न्यूमेरिकल्स होते हैं न्यूमेरिकल्स आप खुद करोगे तभी समझ में आएगा मैं क्या पूछूंगा फॉर्मुला पूछ लूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पूछ लूंगा अच्छा फॉर्मूला बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है लेकिन फॉर्मुले से थोड़ी काम चलता है कि तुम मैंने पूछा फॉर्मुला तुम्हें याद हो तो काम हो जाएगा क्वेश्चन करने पड़ते ना तो क्वेश्चन करोगे तो तो ही होगा क्लास में आके पूछूंगा नस्ट इक्वेशन बताओ हो क्या होती है डेल्टा जी का फॉर्मूला बताओ अच्छा याद है बढ़िया सा फेराडेज फर्स्ट लॉ बताओ ये क्या रिविजन हुआ इससे क्या होगा हाँ ये याद होने चाहिए लेकिन इससे मार्क्स नहीं आने वाले क्वेश्चन करने से मार्क्स आने हैं तो थोड़ा बहुत बात करेंगे हम थोड़े बहुत फॉर्मूले मुझे जो लगते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं पूछूंगा थोड़ा बहुत होगा वह यानी क्वेश्चंस थोड़े बहुत मैं पूछूंगा आपको जवाब देने होंगे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे लगता है कि देखो तो इस चैप्टर में ये आपको याद होना चाहिए वो पॉइंट्स मैं बता दूंगा कि ये याद है या नहीं है ये याद है या नहीं ये फॉर्मुला याद है या नहीं है ये क्वेश्चन इस तरह से ये वाले इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा बट मेनली क्वेश्चन करने होंगे मेनली क्वेश्चन करने होंगे मेहनत खुद को करनी होगी ज्यादातर रिविजन प्लान ऐसे होते ही नहीं है बहुतों तो को क्या लगता है रिवीजन कैसे होगा सर आएंगे फिर पढ़ाएंगे और हम सुनेंगे गलत इससे कुछ नहीं होता टाइम पास होता है चलिए बाय बाय